فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاه والسلام عليك يا مصاد الشريعه والطريقه الصلاه والسلام عليك يا مادر الحقيقه والمعرفه يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا انما في بحر هم المغرق خذ يدي سهل لنا اشكالنا يا سيدنا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم لجبال نبي میرے درد روا سلام کو پھیلاؤ
जिसको जानते हो उसको भी सलाम करो, जिसको नहीं जानते उसको भी सलाम करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को सलाम करते हैं, सलाम करने के बाद उन पर दुरूद पढ़ते हैं, वो जब जुदा होते हैं, जुदा होने से कहा जाता है उनकी मकबूलियत। तो इसमें सलाम का मसला भी हल हो गया और दुरूद का मसला भी हल हो गया। कभी देर में आ जाता है कि दुरूद सिर्फ बैठते ही पढ़ना चाहिए, खड़े होकर नहीं पढ़ना चाहिए। यहाँ तो मिलने की बात है, फौरन मिला, सलाम किया, कहीं आ जा रहे हैं उसी वक्त सलाम किया, नबी पर दुरूद पढ़ा और बस। सरकार पर दुरूद पढ़ा और बख्शे गए। इससे बढ़कर और नेमत क्या हो सकती है। फिर हम जब जनाजे के लिए आते हैं, हम जब नियत करते हैं, हम कहते हैं अल्लाहुम्मा इग्फिर हय्यिना व मय्यितना, एक दुआ बाद में पढ़ते हैं, और जनाजे के अंदर हम नियत करते हैं कि दुआ शहादत मय्यित के, यही कहते हैं। अब आपने तकबीर के बाद, इसी तकबीर के बाद हमने सबने पढ़ा अल्लाहुम्मा इग्फिर हय्यिना व मय्यितना, या अल्लाह बख्श दे हमारे जिंदों को, या अल्लाह बख्श दे हमारे मुर्दों को। तो ये सारे सवाब जिंदा को भी हो रहा है, मुर्दा को भी हो रहा है। दुआ जिंदा के लिए भी हो रही है, मुर्दा के लिए भी हो रही है। कितनी दफा कहते थे अभी उसको नहलाया नहीं, अभी गुस्सा नहीं दिया, अभी दुआ नहीं मांगी जा सकती, सारे सवाब नहीं हो सकता। यहाँ जिंदा के लिए भी सारे सवाब हो रहे हैं, मुर्दा के लिए भी सारे सवाब। अल्लाह है ना मम इतना याद बस ने हमारे जिंदों को और हमारे मुर्दों को, वह शाहिद ना वो गायब ना, जो यहाँ हाजिर है उन्हें भी बख्श दे, जो गायब है उन्हें भी बख्श दे। और इसी से अल्लाह ने अपने नबी को शाहिद बनाया, या अल्लाह जो यहाँ मौजूद है हाजिर हाजिर है उन्हें बख्श दे, और अल्लाह का महबूब भी हाजिर हो नाजिर है, इमाम सब ना के शाहिद बना के समझ लो ना समझो, वो शाहिद ना वो गायब ना, या अल्लाह बख्श दे हमारे जो मौजूद है इन्हें भी बख्श दे, जो गायब है उन्हें भी बख्श दे, वो साकर ना वो इंसाना मेल को भी बख्श दे, फीमेल को भी बख्श दे, सबको। बड़ों को बस दे, छोटों को बस दे, ये दुआ आपने मांगी। और जनाजे में आपने नियत ये की है कि दुआ इस हाजिर मैयत के, अभी आपकी दुआ खत्म होने वाली है, इसलिए तो आपने उसका तो कुछ किया ही नहीं है। क्या किया है? जिसका आपने जनाजा पढ़ना है दुआ इस हाजिर मैयत के, उसके लिए तो अभी आपने कुछ किया ही नहीं है। अभी तो सारा मजबूरी काम हुआ है, अब क्या करें? और जिस बेचारे के लिए आए हैं उसके लिए कुछ खास भी तो करें ना। तो सरकार ने फरमाया इजा सल्लैतु अला अल-मय्यित फअख्लिसूलहु दुआ, जब जनाजा खत्म कर चुको तो फौरन मुखलिस होकर इसके लिए दुआ मांगो। अभी तक तो आपने जो दुआ की अल्लाहुम्मा इग्फिर हय्यिना व मय्यितना व शाहिदना व गायबना व सबीलना व कबीलना व ज़ाकिरना व मुसलिमना, उसमें इसका खास जिक्र नहीं हुआ, इसके लिए खास कुछ नहीं हुआ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुखलिस होकर, नबाज़ उम्मत है सरकार, सरकार को पता है कि जनाजे में कोई इसलिए आया है, मौलवी साहब तो इसलिए जनाजा पढ़ा रहे हैं, मस्जिद के इमाम है, मौली साहब कहें कि मैं जनाजा नहीं पढ़ाता, मौली साहब तुहाड़ी छुट्टी, ठीक है। अब कोई रिश्तेदार आए हैं, कोई नाना है, कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई दादा है, वो इसलिए आए कि यार हमारा रिश्तेदार था, मुंह दिखाने के लिए आए, उसका जनाजा पढ़ने नहीं आए। दोस्त इसलिए आए हैं कि अपना मुंह दिखाएं, यार वो क्या कहेंगे, जिंदगी में हमारा दोस्त था, अब उसका जनाजा हो रहा है, हमारा मुंह नहीं देखेंगे लोग क्या कहेंगे, कैसा दोस्त था, सारे इसलिए आए हैं। अब सरकार ने फरमाया दोस्त के साथ मुखलिस से वो दुआ मांगे, जो उसके साथ मुखलिस से वो दुआ मांगे, इजा सल्लैत मदद मैय्यित फअख्लिसूलहु दुआ, अब उसके लिए मुखलिस होकर दुआ मांगे। तो जो सच्चा दोस्त है वो आज मुखलिस होकर दुआ मांगे, क्योंकि जनाजा तो देखा देखी हो गया। बात करते हैं कि जब हम दफन करते हैं तो वहां तो दुआ मांगते हैं, बात आपकी सही है, लेकिन आधे लोग तो जनाजा पढ़ के चले जाते हैं, उनकी दुआ रह जाती है। तो मसला यह है कि जो बंदा फौत हुआ है हम आए हैं उसको बख्शवाने,
हम आए हैं उसको बख्शवाने। आज जैसे हम काली साहब के खत्म पे आए तो हम आए काली साहब के लिए सारे सवाब करने। हम यहाँ आके बैठ के अपनी बातों में अपनी बातें ले बैठते कि मैं इस चीज को नहीं मानता, मैं उसको नहीं मानता। मसला यह है कि जिसके लिए आए हैं जो वो मानता था उसको करने आए। जब हमारी बारी आएगी तो क्या है जाना कि हमारे साथ ये करना वो ना करना। अब जो फौत हुआ है जिसके लिए सारे सवाब के लिए है जो वो चाहता था उसके लिए वो करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हम किसी को कब्र में दफन कर देते हैं उसकी हालत ऐसी होती है जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि ड्राउनिंग मैन कैच द स्ट्रॉ, डूबते को तिनके का सहारा। सरकार ने फरमाया उस वक्त ऐसी हालत होती है कुछ भी उसको अगर कुछ पहुंचता है तो उसको सहारा दे। तो इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी को दफन कर चुको, दफन करने के बाद वहां खड़े होकर इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार का इशारे सवाब भी होगा और साथ साथ उसको तसल्ली भी रहेगी, उसको तसल्ली रहेगी। हजरत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह आपका कश्यप जो था बड़ा मजबूत था। एक बंदा फौत हुआ, नकीरैन आ गए। नकीरा ने पूछा मन रबों का फेल हो गया, मादीनों का पूछा फेल हो गया, सरकार के बारे में पूछा मा कुन तकूलो फी इतिहादर, जो बंदा फेल हो गया। फरिश्ते जो दोजख वाले थे उसको ले जाने लगे तो इमाम ग़ज़ाली रहमा फरमाते हैं सरकार ने फरमाया ठहरो, ये कब्र में आया है परेशान हो गया, ये हम पे दुरूद पढ़ता था इसलिए हमने नहीं पहचाना पर हम इसे पहचान। किसी ऐसे तरीके से कि उसको पता चल जाए कि ये जिसके बारे में पूछा जा रहा है ये मेरे नबी। अब उसके दो तरीके हैं या तीन तरीके कह लें, तलकीन है। लेकिन तलकीन से एक चीज हासिल होती है एक नहीं हासिल होती। सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हम मुर्दे को दफन कर देते हैं तो जिस तरह नकीरैन कब्र में आते हैं कब्र के अंदर फितना भी है, तो वो फितना क्या है, कब्र के अंदर शैतान भी आता है। कब्र के अंदर शैतान भी आता है, जब उसे सवाल किया जाता है मन रब्बों का तो वो शैतान अपनी तरफ कह इशारा करके कह रहा होता है कि तू कह दे ये है नाउज़ बिल्लाह। इसलिए सरकार ने फरमाया कि कब्र के फितने से बचो। तो तलकीन की आपने लेकिन शैतान नहीं भागा। लेकिन सरकार ने फरमाया कि जब अजान होती है तो जहां तक अजान की आवाज जाती है वहां से आज तक शैतान भाग जाता है। इसीलिए कब्रिस्तान में अजान दे देते ताकि शैतान भाग जाए और मुर्दा जो है वो उसके फितने से महफूज रह जाए। इसलिए अजान दी जाती है। शैतान तो बाहर हमारे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को पहचानना है, सरकार की जात को पहचानना है। अब उसको मदद की जरूरत है, आप उसकी पहचानने में मदद करें। अगर आप यही कर सकते हैं कि वहां बाहर खड़े वहां पा रहे हैं मुस्तफा कान रहमत के रात या फिर आप पढ़ रहे हो या नबी सलाम अलैकुम, तो जो अंदर है उसको पता चल जाए कि जिस पे दुरूद और सलाम पढ़ा जाता है पढ़ा जा रही है मेरे नबी की जात। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने में उसको आसानी होगी। ये सारी वो चीजें हैं हम अपने मरहूमीन के लिए करते हैं। जहां तक सारे सवाब का ताल्लुक है जो हजरत साहब ने फरमाया सरकार की जिंदगी से साबित है, हम हकीका करते हैं, हकीका करते हैं, सब करते हैं। जो मानते हैं सारे सवाब को वो भी करते हैं, जो नहीं मानते सारे सवाब को वो भी करते हैं। जो हकीका होता है
میں حضرت سارے ثواب کیا لیکن اس میں بھی ہے کہ سارے ثواب حضرت توجہ رکھے. جب آپ نے اپنے بیٹے کے لیے بکرا ذبح کیا اس کے عقیقے کے لیے تو آپ نے کہا کہ اللہم ہاذہ عقیقۃ ابنی, یا اللہ یہ میرے بیٹے کا عقیقہ ہے, لحمہا بلحمہ, یہ جو بکرا ہے اس کا جو گوشت ہے وہ میرے بچے کے گوشت کا صدقہ بن جائے, ریپلیسمنٹ ہے یہ, اس کا صدقہ ہے اس کی طرف سے. یہی سارے ثواب ہے, یہی تو سارے ثواب ہے. یہ جو عقیقہ ہے یہ بھی ایک قسم کا اشارے ثواب ہے, جو صدقہ ہے اس کے آپ کے بچے کے جتنے پارٹس ہیں اس کا یہ صدقہ ہے. اور یہی سارے ثواب ہے, اسی کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں. اور میری سرکار نے فرمایا کہ جہاں 40 یا اس سے زیادہ مومن جب جمع ہو جائیں ان میں ایک بندہ ضرور ہوتا ہے جس کی دعائیں قبول ہو جائیں. الحمد للہ جب اتنے مومنین جمع ہوں گے تو قاری بشیر صاحب کے لیے اشارے ثواب ہوگا, رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ان کے درجات مزید بلند ہوں گے. تو جتنے درجات بندے کے بلند ہوتے ہیں وہ جنت میں ہی ہوتے ہیں, یہاں دوزخ میں تو نہیں ہوتے نا. تو بندہ بخشا جاتا ہے تو جنت میں جاتا ہے, جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں, وہ جنت میں کھڑا ہو کر دعا کرتا ہے یا اللہ جتنے آئے ہیں سب کو بخش دے. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جنت میں جو مانگا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کی کسی چیز کو رد نہیں فرماتا, وہ جو مانگتے ہیں ملتا ہے. پڑھ لو قرآن کا, سبحان اللہ. تو ہم سارے ثواب میں اس لیے آتے ہیں کہ اس کی بھی مغفرت ہو جائے جس کے لیے آئے ہیں, اور ہماری بھی مغفرت ہو جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قاری صاحب کی مغفرت فرمائے, آپ کی اولاد کو بخش فرمائے, اور اللہ جل وعلا ہم سب کی مغفرت فرمائے, ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے, اور اللہ جل وعلا ہمیں ایمان عطا فرمائے, ایمان کا ثابت قدمی عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.